हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता और आप देख रहे हैं टेक टू व्लॉग। और आज मैं आपको बताने जा रही हूं गियरबेस से आप कैसे प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। तो आपने जैसे कि देखा है कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है गियरबेस्ट ऐप। चलिए ओपन करते हैं इसको। ओपन करने के बाद आप ये देख सकते हैं आपके सामने ये आया हुआ है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं मैंने अपनी विश लिस्ट में ये 3 प्रोडक्ट चूज़ करके ऑलरेडी रख दिया है। तो अब मैं ऑर्डर प्लेस करने के लिए ये प्रोडक्ट चूज़ करती हूँ जो कि मिनी कैमरा बैग है शाओमी का। तो अब देख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले एक अली एक्सप्रेस का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बोला था कि आप डायरेक्ट सेलर से कांटेक्ट कर सकते हैं, बट गियरबेस में ऐसा कुछ नहीं होता है। गियरबेस में डायरेक्टली वेयरहाउस से प्रोडक्ट आता है, तो आप डायरेक्टली सेलर से कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। और इसमें वेयरहाउस का ऑप्शन दिया होता है कि चाइना, आपको चाइना चूज़ करना पड़ेगा इंडिया के लिए। और शिपमेंट मेथड आपको इंडिया का चूज़ करना, शिप कॉस्ट आप इंडिया का चूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं अनरजिस्टर्ड एयर मेल, रजिस्टर एयर मेल, प्रायोरिटी लाइन और एक्सपीडिटेड शिपिंग है। ये शिपिंग मेथड्स है। अगर आप अनरजिस्टर्ड एयर मेल चूज़ करते हैं वो फ्री है, बट अब इसका टाइम पीरियड कितना लगेगा हम नहीं कह सकते। आपको 1 महीना लग सकता है, 2 महीना, तो इसका ज़्यादा गारंटी नहीं है। अगर आपको दूसरा आपको ऑप्शन मिलता है रजिस्टर्ड एयर मेल, रजिस्टर्ड एयर मेल में आपको 153 रुपीज़ पे करना पड़ेगा चार्जेस शिपमेंट के लिए। इसके बाद है प्रायोरिटी लाइन जो कि है 84, और एक्सपेक्टेड एक्सपीडिटेड शिपिंग जो है 1779, और मेरे प्रोडक्ट का प्राइस है 100। तो मैं ये एक्सपीडिटेड शिपिंग नहीं चूज़ करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो मैं इसके बाद हम देखते हैं इसका कितना रेटिंग मिला है। रेटिंग आप देख सकते हैं इसमें 5 रेटिंग दिया हुआ है, तो ये अच्छा ही होगा। इसके बाद हम जाते हैं प्रोडक्ट क्वांटिटी में, एक चाहिए और ब्लैक कलर। इसके बाद हम लोग बाय नाउ करते हैं। बाय नाउ करने के बाद आप इधर देख सकते हैं मैंने प्रायोरिटी लाइन चूज़ किया है जो कि 84 है। और इसके बाद आप शिपिंग मेथड में जाकर देख सकते हैं रजिस्टर्ड एयर मेल। मैंने रजिस्टर्ड एयर मेल में मैंने नीदरलैंड रजिस्टर्ड चूज़ किया है जो कि 153 का है। अगर आप चाहें तो आप स्वीडन भी चूज़ करते हैं, वो 160। के बाद प्रायोरिटी लाइन आप जैसे कि देख सकते हैं इंडिया एक्सप्रेस जो कि 84 रुपीज़ लगेगा, और इंडिया एक्सप्रेस ई कॉमर्स जो है वो है 101 लगेगा। अब मैं और जिसके आप देख सकते हैं रजिस्टर एयर मेल में आपको 10 से 25 दिन लगेगा आपको प्रोडक्ट शिप होने में, और अगर आप प्रायोरिटी लाइन चूज़ करते हैं तो आपको 10 से 17 दिन लगेगा। और आपको चूज़ करना है आपको कितने दिन में प्रोडक्ट चाहिए, तो आप चूज़ कर सकते हैं। और मैं चूज़ कर रही हूँ प्रायोरिटी लाइन इंडिया ई कॉमर्स जो कि 101 है शिपमेंट का प्राइस। इसके बाद आप नीचे जाकर देख सकते हैं पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड में मैं पेपल से पे करूँगी। और इसके बाद टोटल कॉस्ट देख सकते हैं, प्रोडक्ट का अमाउंट है 102 और जो शिपिंग फ़ी है वो है 101। अब मैं पेपल से पे करूँगी। अगर आपको पेपल से पे करना नहीं आता है, तो अगर आप चाहते कि मैं पेपल का पेमेंट कैसे कर सकते वो वीडियो बनाओ, तो कमेंट कीजिए ताकि मैं अगले वीडियो में वो वीडियो बना सकूँ। अब मैं वो पे कर देती हूँ पेपल से। प्लीज़ द ऑर्डर। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, और जैसे कि आप देख सकते हैं यू हैव पेड $3 टू गियरबेस्ट। और आप देख सकते हैं कि ऑर्डर समरी आया हुआ है, ऑर्डर नंबर इधर पे है और टोटल अमाउंट है 204। और मैंने पहले भी एक ऑर्डर और आपका ऑर्डर इन्फॉर्मेशन इधर पे है, योर ऑर्डर इन्फॉर्मेशन इज़ अपडेटेड टू शो द लेटेस्ट शिपिंग ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन, जैसे आप ट्रैक कर सकते हैं। और मैं आपको पहले भी एक ऑर्डर प्लेस किया था, और मैं आपको दिखा दूंगी कि आपको कैसे वो ट्रैक करना है। तो पहले ऑर्डर के तरफ जाते हुए मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं नॉट शिप्ड, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद ये आपको प्रोडक्ट दिख, मैंने जो अभी ऑर्डर किया है वो इधर आया हुआ है जिसकी आप देख सकते हैं। इसके बाद डिस्पैच फास्टर,
इसके बाद मैंने ऑलरेडी पहले जो एक ऑर्डर किया था वो है मिनी क्लिप MP3 म्यूज़िक, और इधर मैं आपको ट्रैकिंग ऑप्शन दिया हुआ है, मैंने क्लिक कर दिया है उसमें, और आप देख सकते हैं वो कहाँ तक ट्रैक कहाँ तक शिप हुआ है, जिसकी द टाइम इज़ प्री एडवाइज्ड उस तारीख का। इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं कहाँ तक ये शिप हुआ है। आज है 30 जुलाई 2017 और मैंने आज ही ये मिनी कैमरा बैग ऑर्डर प्लेस किया है, तो मैं और एक वीडियो बनाऊंगी कि कब तक ये प्रोडक्ट, जब ये प्रोडक्ट मेरे पास आएगा तो आपको मैं बताऊंगी कि क्या क्या मेथड है, क्या क्या प्रोसेस है, सब कुछ मैं उस वीडियो में बताने वाली हूँ। ये वीडियो सिर्फ ऑर्डर कैसे आप ऑर्डर कर सकते हैं गियरबेस में, इस चीज़ को लेकर था। तो अगर आपको कुछ कॉमेंट करना है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं।